नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए एक नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिहाज से शनिवार का दिन बेहद अहम है। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में मैराथन रैलियां करेंगे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के तीखे विरोध के बीच राज्य सरकार 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की आज जयंती मना रही है। भगवा पार्टी सहित तमाम संगठन राज्य सरकार के कार्यक्रमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी से सवाल किया कि वह जयंती समारोह से संबंधित कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 26 के दौलतपुर गांव में करीब 150 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। झुग्गियों में आग लगने से करीब 500 लोग बेघर हो गए हैं। बेघर हुए लोगों ने बताया कि पिछले 3 दिन से सेक्टर 26 की कॉलोनी जो झुग्गियों के बिल्कुल साथ में मौजूद है, वहां के लोग और झुग्गियों के कुछ लोगों के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसमें छुटपुट आगजनी भी हुई थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शनिवार सुबह से जारी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। यह मुठभेड़ तिक्केन इलाके में हुई है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल एनकाउंटर बंद है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर से सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे और वह इस दौरान पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पीएम मोदी इस यात्रा में कुछ अन्य समारोह में भी भाग ले सकते हैं। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के अध्यक्ष शुक्रवार को उपस्थित हुए और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा उनके ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का लगातार दूसरे दिन खंडन किया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को फिर से भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। शशि थरूर ने कहा कि भाजपा और आरएसएस सबरीमाला मंदिर को अपवित्र न करे। लुटियन दिल्ली में स्थित ताज मानसिंह होटल की छत से दुर्घटनावश गिरने 48 वर्षीय एक एनआरआई कारोबारी की मौत हो गई। जांच के दौरान पुलिस ने यह पाया है कि अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाले नरेंद्र ए मंगलम घटना के समय नशे की हालत में थे और छत पर स्थित बगीचे में गए थे। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने देश में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त करने के बाद उपजे राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बीच शुक्रवार को देश की संसद को भंग करने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ उन्होंने अब देश में समय से पहले 5 जनवरी को आम चुनाव कराए जाने का रास्ता भी साफ कर दिया है। ट्रंप प्रशासन आईटी पेशेवरों में विशेष रूप से लोकप्रिय H1B वीजा के वर्तमान प्रावधानों में कुछ बदलाव करना चाहता है, ताकि इसके तहत सिर्फ बेहद कुशल विदेशी पेशेवरों को वीजा मिल सके और यह सिर्फ आउटसोर्सिंग का तरीका बनकर ना रह जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है, और गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूँ और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।